लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई पुणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कभी कभी मैं यहां लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई पुणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। राज्यपाल ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया है वीडियो वायरल हो रहा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिस प्रकार का वक्तव्य किया है महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता खास करके मुंबई ठाणे की जनता एक कष्ट करने वाली जनता है, खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र को, और हजारों लोग जो शहीद हो गए जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956 में, उसके बाद ये मुंबई बनी। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए, और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं, कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है, पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार, लेकिन अब तक वक्तव्य आया नहीं है। और महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि आप कितने स्वाभिमानी हो कि आप दिखाइए। सर, राज्यपाल कोश्यारी ने जो भाषण में कहा कि गुजराती और राजस्थानी यहाँ से निकल जाने के बाद मुंबई के पास क्या बचेगा, इसके ऊपर आपकी क्या बात? महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम कोश्यारी जी का वक्तव्य मुझे लगता है बहुत ही खेदजनक है। महाराष्ट्र के मराठी मानुष का अपमान करने वाला वक्तव्य है। महाराष्ट्र में रहने वाले गुजराती, मारवाड़ी, सिख, जैन सारे समुदाय का बहुत ही आदर सत्कार हमने हमेशा से किया है। महाराष्ट्र के विकास के अंदर इनका योगदान कोई नकार नहीं सकता, लेकिन जो कारखाने हमारे गुजराती मारवाड़ी भाइयों ने लगाए उन कारखानों में अपना पसीना, खून पसीना बहाते हुए हमारा मराठी मानुष वहां पे काम कर रहा है। अपनी जमीनें मराठी मानुष ने उन कारखानों के लिए दी है, अपने सर पे बोझा उठाकर इन कारखानों में निर्माण होने वाला माल हमारे मराठी मानुष जाके महाराष्ट्र के बाहर बेच रहा है। तो इस प्रकार का वक्तव्य आप जरूर एक समुदाय की जब सराहना करते हैं, उनको उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो दूसरे समुदाय का उसमें दिल ना दुखे इसकी भी खबरदारी मुझे लगता है राज्यपाल महोदय ने लेनी चाहिए थी। उनके वक्तव्य से एक बात स्पष्ट है कि मराठी मानुष का किसी भी प्रकार का योगदान ये मुंबई और ठाणे जिले में नहीं है। शायद इस प्रकार का बयान या ये बात हमारे राज्यपाल कहना चाहते थे। वास्तविक रूप में महाराष्ट्र का राज्यपाल जिस राज्य में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ये ध्यान रखना चाहिए था कि बहुसंख्यक लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी है और इनके संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करने की एक नैतिक जवाबदारी, संवैधानिक जवाबदारी राज्यपाल महोदय की थी। दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके वक्तव्य से मराठी जगत के लोगों का मन में बहुत बड़ी पीड़ा हुई, दुख हुआ है।